मैं दिन विचों तेरे लिए टाइम कढ़ के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा। शी डोंट नो और नजर लग जाए कि जैसे हिट सॉन्ग देने वाले सिंगर मिलिंद गाबा का नया सॉन्ग जिंदगी दी पौड़ी रिलीज हुआ है, जिसमें उनके साथ जन्नत जुबेर को फीचर किया गया है। सॉन्ग लॉन्च पर जन्नत और मिलिंद ने मीडिया से खूब बातें की और अपनी लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्सों को भी साझा किया। जब मिलिंद से जर्नी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग धक्के मारते थे, और क्या कहा मिलिंद ने आइए आपको वो बताते हैं। मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है, क्योंकि पहले होता है यार कि कोई विश्वास ही नहीं करता कि यार बच्चा सा तो है, क्या करेगा। तो जब बच्चे छक्के मारते हैं तो फिर पिच पिच दौड़ते हैं। एनीवे, तब मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था टी सीरीज। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और इसके बाद जब बात हुई ईद की तो ऐसा था जन्नत का रिएक्शन। इसी के साथ जब मिलिंद को पूछा कि जन्नत को उन्होंने कैसे चुना तो बड़े ही स्टाइल से दिया उन्होंने इस बात का जवाब। हाँ जी, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईद की अलग खुशी है और गाने की अलग खुशी है, और बस अब ईदी भी चाहिए मुझे। मैंने अम्मी ईदी दे दी आपको गाना इतना अच्छा देकर, अब बहुत सारे प्यार के साथ और बहुत सारे अच्छे व्यूज़ के साथ हमें भी ईदी चाहिए। मैं शुरू से ही, मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्टिंग वाला पार्ट होता है, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। तो मैंने एक अभी जब इन्होंने शी डोंट नो पे टिकटॉक बनाई थी, वीडियो बनाई थी, तो मैंने देखा कि शी डज वेल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल एक्टिंग करती हैं, बहुत ही अंडर प्ले करती हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ लाउड हो रहा है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट। मैंने इनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ काम करें और वी गोना किल इट, कैमरे को हम खा जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हो गया। तो इसी दौरान जन्नत ने एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा भी साझा किया कि कैसे उनकी फैमिली उन्हें सोशल मीडिया यूज करने से अलाउ नहीं करती थी। सोच रही हूँ नहीं उठा ही नहीं है वो एकदम एवरी हर एक मोबाइल में इनका होता ही है यार। वो देखो बंदा इतना खुश है इनसे मिलके, पता नहीं क्यों वो ब्लश कर रहा है बंदा पूरा, उनके गाल गुलाबी हो गए हैं। Of course it is absolutely, and ऐसा कुछ planning नहीं था, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। इनफैक्ट मुझे अलाउड नहीं था सोशल मीडिया 3 साल पहले तक के, मैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा छोटी थी ये सब यूज़ करने के लिए। तो रेडी और मम्मा ने मना किया हुआ था कि नहीं करना है, बट वो लकीली जैसे ही बोलते हैं ना मम्मी डैडी कभी हाँ अच्छे मूड में हाँ बोल दिया और बना लो टाइप, तो वैसे बना। एंड देन सडनली धीरे धीरे करके हुआ, बट सडनली ये 1 साल से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, और ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, और फिर अपने आप सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा कि अब मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं और इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए, दैट्स इट। और अब जाते जाते मिलन की 5 दिन की स्टोरी भी सुनते जाइए और जन्नत के फिक्स्ड प्रिंसिपल्स भी जान लीजिए जो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होते। अबाउट जिंदगी की पौड़ी डालना शुरू किया यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने अपना डाला कि हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। एक्चुअली एक्सपीरियंस यही था कि हम 5 दिन आर्मेनिया में गए थे और हमने 3 दिन शूट करना था और 2 दिन जैसे होता है ना दिल्ली वाले पार्टी करते हैं, तो 2 दिन पहले पार्टी तो कर ली और दूसरी रात को हमें पता चला कि 3रे दिन का जहाँ से हमने शूट शुरू करना है अगले दिन से, वेदर ही बहुत डायनामिक है, कभी बारिश हो रही है कभी स्नोफॉल हो रही है। तो जो हमने सेट बना रखा था, जो भी हॉस्पिटल देख रहे हैं आप इसका पूरा सेट बना रखा था हमने, तो वो सब रुइन हो गया था बारिश के चक्कर में। और सारे आई स्वेयर ऑन माई गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सारे रो रहे थे। मतलब मैं सेठी बाजी शैबी जिसने वीडियो इतनी अच्छी इतना डायरेक्ट की, आशीष, हम सारे लिटरली वी वर क्राइंग कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। बट वो देख रहा होता यार, वो उसने कहीं और लेके जाना था हमें, तो
देख हम मैन की उसने कहा कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है. तो वी गैम्बल्ड, वी जस्ट गैम्बल्ड एंड वी गॉट देयर. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उम्मीद से दुगना हमें देखने को मिल रहा था. और आप कैनवास देखिए, आप लैंडस्केप देखिए, इट्स वास्ट. आई थिंक वो जो होना होता है ना, जहाँ जहाँ लिखा होता है वहीं में हो जाता है. तो ये 5 दिन की स्टोरी थी. स्टोरी में यही था कि हम रो रहे थे, किसी गाने ने हमें इतना रुलाया नहीं है जितना आर्मेनिया के वेदर ने रुलाया. हाँ जी बिल्कुल जारी रहेंगी. जब ये चीज़ स्टार्टअप भी लिया है अभी से, इसीलिए अभी से स्टार्टअप लिया है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आके चीज़ें आएँ कि अच्छा अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा रही हैं, पहले नहीं थी. ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी से ये मतलब पहले से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी. इट डजंट मैटर कि मैं मूवी कर रही हूँ या मैं किसी वेब सीरीज़ कर रही हूँ या मैं कोई एल्बम कर रही हूँ, तो किसी के लिए टर्म्स मेरी चेंज नहीं होंगी कि मैं मूवी कर रही हूँ तो मैं कर लूँगी इसमें और इसमें मैं नहीं करूँगी. नहीं, जो मेरी टर्म्स हैं वो हमेशा हर प्लेटफॉर्म के लिए होंगी. Well, मिलन का ये गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है और जन्नत का इस तरीके से गाने में आना उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा. Well, TikTok क्वीन जन्नत अब आजकल मिलन के गाने के जरिए अपने फैंस को कर रही हैं एंटरटेन. Well, आप क्या कहेंगे मिलन के इस गाने के बारे में? अपनी अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसी टीवी.